आप देख रहे होंगे माँ जानकी धाम हम पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे कुछ ही दूरी पर ये माँ जानकी का जो मंदिर है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये मंदिर आप देख को लेकर आ गए जहाँ माता सीता अपने रोजमर्रा खाना पीना बनाने नहाने धोने के लिए जो पानी भरकर ले जाते थे। आप देख रहे होंगे ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये बट का वृक्ष आप देख रहे होंगे, बेहद ही पुराना बट का वृक्ष है। यहाँ पर जो बाबा वाल्मीकि हुआ करते थे वो इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ कर अपनी तपस्या किया करते। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कंजली वन के जंगल हैं, उन जंगलों में पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी माँ सीता को वनवास के दौरान इन्हीं जंगलों में छोड़कर गए थे। तो माँ जानकी के दरबार में जो है हम पहुंच चुके हैं। आप पीछे देख रहे होंगे मेरे ये मुख्य मंदिर है, मुख्य गेट है, यहाँ पर ही जो भक्त आते। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका अपना मोहन कुशवाहा। जैसे कि आपको पता है हर रोज कुछ नया कुछ यूनिक दिखाने के लिए आपको हम लेकर आते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं जानकी माँ, माँ जानकी करीले धाम के विस्तार से आपको हम माँ के दर्शन कराएंगे। तो हम चल पड़े हैं अशोक नगर से। आपको बता दें अशोक नगर से जानकी मैया का जो धाम है वो 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अभी हम अशोक नगर से निकल चुके हैं और यहाँ ये आप नदी देख रहे होंगे, ये सतधारा इसको बोलते हैं, सतधारा नदी के पास हम नदी बोलते हैं, वहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर माँ जानकी का जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है। तो चलते हैं और माँ जानकी धाम के बारे में आपको एक एक चीज जो है ना बारीक से दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। करीला माता का मंदिर मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। अशोक नगर से मंदिर की दूरी 35 किलोमीटर है। वहीं विदिशा जिले से बात करें तो विदिशा जिले से करीला माता मंदिर की दूरी 80 किलोमीटर है, जहां दोनों जगहों से आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं माँ जानकी धाम। आप पीछे देख रहे होंगे ये यहाँ से कुछ ही दूरी पर माँ जानकी का जो मंदिर है, भव्य मंदिर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। जैसे कि मैं कैमरे में दिखा पा रहा हूँ, क्या माँ का जो मंदिर का है वो क्या शानदार नजारा आपको यहाँ से दिख रहा होगा। जैसे भी बरसात का मौसम है तो क्या सुहाना यहाँ का मौसम लग रहा है। पेड़ पौधे और एकदम पूरे में हरियाली सी छाई हुई है। बस कुछ ही दूरी पर माँ का जो मंदिर है वो स्थित है। तो आगे चलते हैं और माँ की जो महिमा है उस महिमा के बारे में विस्तार से हम आपको और दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे ये पहाड़ियाँ, इधर भी जो पहाड़ी है और सामने भी आप देख रहे होंगे उधर भी वो पहाड़ी है, और जस्ट उसके पीछे जो माँ का मंदिर है वहाँ माँ अपने दोनों बेटे लव और कुश के साथ विराजमान है। तो चलिए आगे चलते हैं और माँ की महिमा और माँ के महिमा के बारे में और माँ की भव्य दर्शन हम आपको कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो।
फाइनली दोस्तों आप देख रहे होंगे माँ जानकी धाम हम पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे कुछ ही दूरी पर ये माँ जानकी का जो मंदिर है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये मंदिर आप देख रहे होंगे क्या भव्य नज़ारा यहाँ से माँ के जो दरबार मंदिर का लग रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कितना सुंदर माँ का ये दृश्य मंदिर का है। आप यहाँ से लग रहा है बस कुछ ही दूरी पर माँ का आप इधर से निकल कर जाओगे, ये रास्ते से माँ का जो दरबार जो मुख्य द्वार है वो मुख्य द्वार पड़ेगा। मुख्य द्वार के बाद आप प्रसादी लेने के बाद माँ के जो है माँ जानकी के आप अब दर्शन है वो दर्शन कर पाओगे। तो और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, बस माँ के दर्शन हम कुछ ही पलों में आपको कराने वाले। फाइनली दोस्तों माँ जानकी के दरबार में जो है हम पहुँच चुके हैं। आप पीछे देख रहे होंगे मेरे ये मुख्य मंदिर है, मुख्य गेट है, यहाँ पर ही जो भक्त आते हैं समय पहले यहाँ पर ही आते हैं। यहाँ पर आकर माँ की जो है ना परिक्रमा प्रारंभ की जाती है, माँ के चरणों में यहाँ पर प्रणाम किया जाता है मुख्य गेट पर। इसके बाद में इस दूसरी साइड देख रहे हैं, उस साइड जहाँ से परिक्रमा जो होती है वो परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। परिक्रमा प्रारंभ करने की दूसरी ओर आप इस साइड देखेंगे तो इस साइड से लोग परिक्रमा पूरी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और मुख्य गेट पर ही कुछ भगवान राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत और हनुमान जी महाराज की कुछ तस्वीरों को दर्शाया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अद्भुत तस्वीरों को दर्शाया गया है। इसमें माँ सीता और भगवान श्री राम और अपने भाइयों के साथ विराजमान है। चरणों में हनुमान जी, जैसे कि आप देख पा रहा हूँ चरमान चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। उसी के पास में आप देखेंगे तो जो हनुमान जी को लव कुश द्वारा बंधक बनाया गया था वो तस्वीर को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। हनुमान जी बंधक बंधे हुए एक पेड़ से बंध रहे हैं और पास में लव कुश भगवान और सीता माता भी खड़ी हुई है। उसी के पास जो स्नेक का घोड़ा था वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसी के पास आप देखेंगे लवकुश जी की एक और तस्वीर को एक और दर्शाया गया है, जिसमें वो अश्वमेघ का घोड़ा जो होता है वो लवकुश द्वारा पकड़ा जा रहा है। अश्वमेघ का जो घोड़ा है वो लवकुश भगवान पकड़ रहे हैं। उसके पीछे आप देख रहे होंगे बड़ी दूर दूर से जो भक्त आए हुए हैं वो भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग अपनी मन्नतों को मांगने आए हैं, कुछ लोग जिनकी मन्नत पूरी हो गई है वो भक्त यहाँ पर माँ का आभार व्यक्त करने आए। ऐसा कहा जाता है कि माँ से जो भी भक्त जैसी भी मनोकामना मांगता है माँ उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करती है और जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो माँ का आभार व्यक्त करने के लिए राई नृत्य करवाते हैं और झंडा माँ को चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रंग पंचमी पर जब माँ का मेला लगता है तो स्वर्ग से जो है अप्सरा यहाँ पर आती है और माँ के दरबार में राई नृत्य करती है। तो आगे की ओर दर्शन के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे दर्शन हम आपको कराएं।
सामने माँ जानकी का जो मंदिर है, माँ जानकी माँ अपने दोनों बेटे लव और खुश, माँ वाल्मीकि बाबा बाबा वाल्मीकि काम विराजमान है। आप देख रहे होंगे पास ही में माँ की जो माँ जानकी माँ की गुफा है, पास ही वाल्मीकि जी का वाल्मीकि जी की भी पास में ही गुफा है। एक और आपको मुख्य दरबार दरबार दिख रहा होगा, ये जिसमें लिखी है माँ जानकी मुख्य, माँ जानकी अपने दोनों बेटे लव और खुश के साथ विराजमान। हम पहुंच चुके हैं कंजली वन के जंगल हैं, उन जंगलों में पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी माँ सीता को वनवास के दौरान इन्हीं जंगलों में छोड़कर गए थे। आप देख रहे होंगे ये जंगल हैं, पूरे में जंगल ही जंगल, कितने भयानक ये जंगल हैं। पहले और भयानक जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब लोगों का आना जाना हो गया तो ये जंगल कम है। कहा जाता है कि जब माँ सीता पर लालछन लगाए गए थे, जिसके बाद भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण जी सीता माँ को वनवास करने के लिए गए हुए थे, तो इन्हीं जंगलों में लक्ष्मण जी, मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कितने घने जंगल लगे हुए हैं, इन्हीं जंगलों में लक्ष्मण जी सीता माँ को छोड़कर गए थे। तो माँ सीता इन्हीं जंगलों में भटक रही थी, तो इन्हीं जंगलों में भटकते भटकते सीता माँ को जो बाबा वाल्मीकि जी हैं उनसे मुलाकात हुई। बाबा वाल्मीकि जी अपने आश्रम में माता सीता को लेकर गए थे, जहाँ अपने आश्रम में माता सीता को वाल्मीकि जी ने रखा था, इसी यहीं पर लव और कुश को माता सीता ने जो है ना जन्म दिया था, यहीं लव कुश का लालन पालन हुआ था। आप देख रहे हैं कितने भयानक जंगल हैं। अभी इन्हीं जंगलों को आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी इतनी भयानक लग रहे हैं, तो पहले की स्थिति में कितने भयानक जो है ना जंगल लगते हों। तो और आगे की जानकारी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ये बट का वृक्ष आप देख रहे होंगे, बेहद ही पुराना बट का वृक्ष है। यहाँ पर जो बाबा वाल्मीकि हुआ करते थे, वो इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी तपस्या किया करते थे। आप देख रहे होंगे वो बहुत ही पुराना ये वृक्ष है। कहा जाता है कि बाबा वाल्मीकि जी वो थे इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी जो तपस्या है वो किया करते थे। और जैसा कि मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ, ये बट वृक्ष में कितनी जो भुजाएँ हैं वो ऊपर से निकली हैं। ऊपर से निकलने के बाद जमीन में ये गड़ चुकी हैं। जो मेन वृक्ष है वो आप अंदाजा नहीं लग सकते कौन सा मेन है, लेकिन ये जड़ भी एक पेड़ का रूप ले लिया। कहा जाता है कि बहुत ही पुराना ये वृक्ष, कुछ लोग इसमें से आप देख रहे हो इसमें से खुलक के जाते हैं। वो एक और अंदर वाला चबूतरा देख रहे हैं, वो चबूतरा पर ही बैठ कर बाबा वाल्मीकि जी जो थे वो अपनी तपस्या किया करते थे। और कुछ लोग अपनी जो मन्नत रहती है वो मन्नत के तौर पर यहाँ पर जी आप देख रहे होंगे ये पन्नी है, धागा है, वो इन पर बांध जाते हैं और अपनी जो मन्नत है वो मन्नत पूरी होने के बाद जो है ये धागा खोल जाते हैं। और यहाँ पर आकर भी लोग जो दाल बाटी बनाते हैं, और यहाँ पर बाबा को भोग लगाने के बाद यहाँ जो आप देख रहे होंगे चूल्हे बने हुए, भोग लगाने के बाद यहाँ पर दाल बाटी का भी आनंद लेते हैं। तो और पास में ही देखेंगे बीएसएन मैया का और गुण बाबा का भी मंदिर है, तो आप मैं चलता हूँ और आपको उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा। आइए तो मेरे साथ देख रहे होंगे ये भी बहुत पुराना मंदिर है, इसमें माँ बीसन माता विराजमान है। पास में ही श्री गौड़ बाबा का भी मंदिर बना हुआ है, तो उसमें मंडित चीरा बाबा का भी इसमें मंदिर है, क्योंकि लोग आते हैं तो यहाँ के दर्शन करते हैं। तो और आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और आगे की जानकारी हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर कितनी घने जंगल में हनुमान जी महाराज का जो है ना मंदिर बना हुआ है।
पातालपुरी हनुमान जी जिनको कहा जाता है, लोग पातालपुरी जी के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। आप देख रहे होंगे कितने हनुमान जी के भक्त हैं, इनको कहेंगे बंदर, कितने विराजमान हैं। यहाँ पर भी लोग आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ माता जो अपने नृत्य क्रिया के लिए पानी भरती थी, वो अब हमको आपको कुइया दिखाने जा रहे हैं जहाँ से माता सीता अपने रोजमर्रा का जो काम होता है, खाना बनाना, निस्नान इत्यादि, उसके लिए जो पानी भरा करती थी उससे कुआ का कुइया कहेंगे, उसका हम आपको दर्शन दिखाएंगे विस्तार से। तो आइए हमारे साथ। यहाँ पर कम ही लोग आते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बहुत ही जंगल नुमा है। पहले भी ये बहुत ही कटीली पहाड़ी कहेंगे या डगर कहेंगे, बहुत ही कटीली डगर हुआ करती है। आप देख रहे होंगे कितनी कटीली डगर, कितने बड़े बड़े पत्थर, उनके नीचे से हम निकल कर जा रहे हैं। तो आप एक एक बारीकी से एक एक चीज़ हम आपको दिखाएँगे। आप देख रहे हूँ कितनी भयानक ये रास्ता है, अभी ऐसी है तो पहले और कैसी हुआ हुई होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक इस साइड देखेंगे कितने कंजली बन ही जंगल हुआ करती थी ये, और इसमें अभी भी ऐसा भयानक दृश्य है तो पहला और कैसा भयानक दृश्य होता होगा। जैसा कि आप मैं आपको इस साइड दिखा पा रहा हूँ कि ओनली केवल पक्षियों की चहचहे करने की आवाज़ आ रही, और कोई यहाँ पर ज़्यादा किसी चीज़ का आना जाना नहीं रहता। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे हम आपको दिखाएंगे कितनी भयानक ये रास्ता है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आपको लेकर आ गए जहाँ माता सीता अपने रोजमर्रा खाना पीना बनाने, नहाने धोने के लिए जो पानी भरकर ले जाती थी। आप देख रहे होंगे ये वही कुइया है, ये कुआ कहेंगे, ये बहुत ही पुराना कुइया है। यहाँ से ही माँ सीता अपने रोजमर्रा जो काम रहता रोज का, उसके नृत्य क्रियाक्रम के लिए यहाँ से ही पानी भरकर ले जाती थी। और आप मंदिर की उस साइड, वहाँ पर मंदिर था, उधर आश्रम बना हुआ था, वहाँ तक ये पानी भरकर ले जाती थी। उन्हीं के साथ में लपकुश भी, जो लपकुश भगवान थे, वो भी माता सीता के साथ आते थे और माँ की मदद करते थे। आप पीछे देख रहे होंगे ये सरोवर बना हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये सरोवर है। इस सरोवर में और मेरे साथ आई और मैं आपको, इस सरोवर में जो फूल हुआ करते थे जिसमें लव और कुश अपने बाबा भगवान वाल्मीकि जी के लिए पूजा के लिए लेकर जाते थे, वो इन्हीं में से कमलों के फूल और तरह तरह के फूल हुआ करते थे, वो इन्हीं में से तोड़कर ले जाया करते थे। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अभी भी कमल के फूल यहाँ पर लगे हुए। और इस साइड आप देखेंगे, इस साइड ये माता काली माता का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भी गौड़ एक काली माता के साथ गौड़ भगवान विराजमान है। तो आइए और मैं आपको विस्तार से माता के दर्शन आपको कराता हूँ। यहाँ पर काली के विराजमान है, इस साइड जो गौड़ बाबा विराजमान है। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।